हैं अगली खबर की ओर। संगरूर में सरकार आपके द्वार शिविर लगाया गया तो वहीं पेयजल के लिए तरस रहे लोग। दिरबा के कोहरिया रोड पर पिछले 3 सप्ताह से पेयजल की समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इस शिविर में प्रभावित लोगों ने अपने पानी की समस्या रखी लेकिन अधिकारियों ने उस समस्या का समाधान नहीं दिया। लेकिन लोगों को बताया गया कि आपके पड़ोस में पानी का कैंटर आ रहा है, जो कि उन्होंने कहा कि यह कोई पक्का समाधान नहीं है। इस मौके पर लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने आपको सिर्फ एक ही कैंप दिखाया है, इसमें किसी का काम नहीं हुआ। वहीं वाटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड के SDO से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है, हम जल्द ही इसका समाधान कर देंगे। संगरूर से धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। अज का यही प्रोग्राम है, ये साड़ी सरकार आम आदमी पार्टी वालों सरकार तुहाडे द्वार कैंप लगाया गया है, जिस दे सारिया सुविधावां ने, सारी डिपार्टमेंटा के अफसर साहबान बैठे ने, जिवें DDPO हो गया जी, CDPO हो गया, तहसीलदार साहब हो गए, सुविधा केंद्र हो गया, बिजली बोर्ड हो गया, अपनी मार्केट कमेटी के बंदे हो गए, अपना म्यूनिशन कमेटी के अफसर साहबान सारे आपो अपने डिपार्टमेंटा के अफसर बैठ कर लोगों की मुश्किल सुन रहे हैं, तो उन्होंने मुश्किलों के आधार पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग जोड़े है संतुष्ट नहीं नजर आ रहे, कहते कि हजे तक साड़ी सुनवाई नहीं हो रही। जिस तरह के पानी की समस्या बड़े लंबे समय तो आ रही है, इधर कोहरिया रोड से अजे तक वो लोग जो पानी कहने बहुत परेशानी आ रही हो रहे हैं। जो लोग समस्या कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज है, वो कुदरती आफत है जी। जो साड़ी स्टेडियम वाली मोटर है वाटर सप्लाई की, सीवरेज बोर्ड की, वो खराब हो चुकी, तकरीबन 10-12 दिन हो गए।